सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी वेबसाइट, एक बहुत ही काम की वेबसाइट जो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और करंटली 2020 में तो बहुत ज्यादा ही यूज कर सकते हैं आप उसका। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, या फिर आप कोई भी कंपनी रन करते हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो आप इस वेबसाइट को इजिली यूज कर सकते हैं और आप इससे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव काम निकाल सकते हैं। तो मैं किस वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ilovepdf.com के बारे में। बेसिकली आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ये क्या करती होगी। तो मैं आपको इसके आज सारे फीचर्स एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो इस वेबसाइट में। तो आपने सिंपली सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद ilovepdf.com सर्च करना है, ilovepdf.com आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारी फीचर्स हैं, मतलब मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, मतलब आप किसी पीडीएफ को मर्ज करना सकते हो, दो पीडीएफ को एक में मर्ज करना चाहते हो तो आप इजीली मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट करना चाहते हो स्प्लिट कर सकते हो, पीडीएफ आपको अगर कंप्रेस करनी है आप कंप्रेस कर सकते हो इजीली, पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ को एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ को पावर पॉइंट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वाइस वर्सा भी होता है, पावर पॉइंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट है यार, मैं क्या ही बताऊँ इस वेबसाइट के बारे में। मुझे तो बहुत पसंद आती है, मैं डेली इसे यूज़ करता हूँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है इसलिए इसको यूज़ करना ही पड़ता है। और मैं आई एम ग्लैड टू हैव दिस वेबसाइट, मतलब मेरी तो नहीं है बट जिस किसी की भी है, हैट्स ऑफ टू योर ब्रदर और अ सिस्टर। तो यार मैं आपको कुछ इसके फीचर्स और बता देता हूँ। पीडीएफ को जेपेग में कन्वर्ट कर सकता है, पीडीएफ को एक मतलब एक एक पेज को वो इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा और वो आपको दे देगा। और जेपेग जो इमेजेस को है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है, पेजेस में पेज नंबर डाल सकता है, वाटरमार्क लगा सकता है अगर आपको वाटरमार्क लगाना है तो। और उसके बाद अनलॉक पीडीएफ आता है, अनलॉक पीडीएफ में आप किसी भी पीडीएफ को अनलॉक कर सकते हो अगर आप उसमें कोड लगा हुआ है, कोई पासवर्ड लगा हुआ है। लेकिन ये एक मैं बता दूं, ये बीटा वर्जन में कह सकते हो आप इसे, ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करोगे कि मैं पीडीएफ को लॉक करके इसमें ये पासवर्ड डाल देता हूँ उसके बाद लगाता हूँ तो देखते हैं अनलॉक कर पाता है कि नहीं। मैंने भी ट्राई किया पर नहीं हुआ, क्योंकि ये ना एक डिक्शनरी का सेट यूज़ करते हैं जिसमें पासवर्ड लिखे रहते हैं और ये ट्राई कर करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, बट ये नहीं होता एक्चुअली। और आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी पीडीएफ को, पीडीएफ पे पासवर्ड लगा सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो पीडीएफ को, पीडीएफ के फॉर्म चेंज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास करप्टेड पीडीएफ है या फिर उसमें कुछ दिक्कत है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो, यहाँ के साइन कर सकते हो, जैसे वर्चुअल साइन कर सकते हो एक पीडीएफ में, वो इस यहाँ पे ऑप्शन है। तो यार मुझे तो नहीं लगता इस वेबसाइट से आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ही क्यों होगी यार, बहुत ज़्यादा यूजफुल वेबसाइट है। और मैं आपको एक फीचर यूज़ करके दिखा देता हूँ जो आजकल हर स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मुझे पता है, मैं खुद इसे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह देने होते हैं, टेस्ट वगैरह देने होते हैं, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। कैसे करता हूँ, जैसे मैं इमेजेस ले लेता हूँ नॉर्मल, मैं कोई ऐप यूज़ नहीं करता पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, मैं इसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और मैं क्या करता हूँ, फोटोज़ ले लेता हूँ अपने फ़ोन के नॉर्मल कैमरे से, कोई मैं दूसरे एडोबी वगैरह के वो ऐप यूज़ नहीं करता, स्टोरेज की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है स्टोरेज से। और फिर मैं यहाँ आता हूँ और JPEG टू PDF में जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी जो भी मुझे चाहिए होती है ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी इमेजेस, और फिर उन्हें ऑर्डर से लगा के अपने उनके ऑर्डर में लगा के, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ से उसके फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ऊपर से और इमेजेस अगर मेरे को ऐड करनी है अपनी PDF फाइल में तो मैं वो ईजीली कर सकता हूँ। एक ऑर्डर में करना है A to Z अगर नेम वाइज करना है तो मैं वो ईजीली कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कन्वर्ट टू PDF में कर देता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कभी कभी डाउनलोड कर देता है, बट अगर नहीं करता तो आप डाउनलोड नाउ इजीली कीजिएगा और ये आपकी पीडीएफ को डाउनलोड कर देगा। और ये देखो ये पीडीएफ कुछ इस प्रकार दिखेगी, तो आप भी बताइएगा कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी और आप फ्यूचर में यूज़ करोगे कि नहीं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव है तो वो भी मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।